Hello everyone, welcome to my channel Biologa Shazma, and I'm your tutor Uzma here. So today we will study one of the concept in ecology, that is ecological succession. So guys, ज़्यादातर students क्या करते हैं कि वो biochemistry, biotech, techniques इन topics के पीछे ज़्यादा जाते हैं. They think कि हाँ ये बहुत एक fancy topic लगता है, but let me tell you one thing कि वो जो topics हैं biochemistry, biotech and techniques, those topics are very important. I'm not saying, ठीक है, वो research level के लिए बहुत important है. Without knowing all those three topic, you cannot do your PhD research, ठीक है. लेकिन as for CSIR, ठीक है, CSIR के concern में अगर ये कहा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, सबका basic इतना strong नहीं होता है and you have very limited time, तो वहाँ पे आप ये topics आपके लिए थोड़ा सा tough हो जाएगा, ठीक है, biochemistry and biotech and techniques and all. और वहाँ से question भी बहुत research oriented बनते हैं, बहुत सारे topics को combine करके बनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा tough हो जाता है. So मेरा suggestion ये है कि instead of wasting your time on those topics, better concentrate on these theoretical topics, जहाँ से question बहुत ही एक narrow area होता है, यहाँ पे ज़्यादा एक मतलब different variety के question नहीं आते हैं ecology से. Although ecology is a very vast topic, but still बहुत narrow type से ही question मिलते हैं. ज़्यादातर आपको सेम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है. सो वो आप आसानी से कर सकते हैं. तो अगर आपका थोड़ा थ्योरेटिकल आपका माइंड है कि जहाँ पे आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है. सो CSIR में आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आई हैव टू क्वालिफाई माई एग्ज़ाम, ठीक है. वहाँ पर ये नहीं देखना है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ये पढ़ना है, ठीक है. वहाँ पे बस ये देखना क्या पढ़ूँ कि मेरा नंबर आ जाए, ठीक है. सो आई थिंक दिस मच इज़ इंफॉर्मेशन इज़ सफिशिएंट फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? सो सक्सेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि वन आफ्टर द अदर, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, कि एक के बाद दूसरा कौन आएगा. तो सपोज़ कीजिए ये ए है, तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ठीक है. तो इसी को हम सक्सेशन कहते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना सक्सेसर, फैमिली में इसका सक्सेसर कौन होगा, ठीक है. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे किसी भी एक गिवन एरिया में गिवन कम्युनिटी होती है. कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो होती है, बहुत डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है. सो आई थिंक कम्युनिटी इकोलॉजी आई अपलोड वन वीडियो ऑन दैट, बट एज फॉर नाउ कि एक कम्युनिटी होती है किसी गिवन एरिया में, वो कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कैसे चेंज होती है, ठीक है, उसमें एक ग्रेजुअल चेंज होता है. और ये चेंज ऐसा सडन चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज इज ग्रेजुअल, ठीक है. तो ग्रेजुअली चेंज होने का मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में चेंज होती है. और सक्सेशन के बारे में एक हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो चेंज होता है इट इज़ इन अ रिले मैनर, ठीक है. रिले मैनर का मतलब होता है एक के बाद एक आना, मतलब अभी एक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है तब तक दूसरा आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए स्पीशीज़ है, ए अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, उससे पहले ही यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है. और जैसे ही बी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, ए ख़त्म हो जाएगा. फिर अभी बी पूरा ख़त्म नहीं होगा, उससे पहले ही सी आ जाएगा, ठीक है. तो ये होता है रिले मैनर, ठीक है. तो ये जो चेंज होता है सक्सेशन, वो हमेशा रिले मैनर में होता है, ठीक है. और एक सक्सेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ये कंटिन्यूस चलती रहती है. तो आज भी अगर हम देखें, हमारी अर्थ जो है एक
अर्थ पे एक डायनामिक प्रोसेस चल रही है. इट्स नॉट लाइक कि हमें दिख रहा है ऐसा कि स्टैटिक कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बट इट्स चेंजिंग. ठीक है, और ये चेंज जो है, एक चेंज होते 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 फाइनली जो है एक ऐसी कम्युनिटी आती है जो हमें लगता है कि अब इसके बाद चेंज नहीं आएगा, स्टेबल कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ठीक है, सो एक जनरल मैकेनिज्म अगर हम समझे सक्सेशन का, तो सबसे किसी भी एरिया में जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है, ये सारे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. आपको कभी कभी मतलब कुछ भी ऐसी टाइप के वेरी सिंपल टाइप क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इन सारे वर्ड्स से, या फिर स्टेटमेंट्स में भी लिखे हो सकते हैं, तो इसलिए इनका पता होना ज़रूरी है. ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट कम्युनिटी आती है, फर्स्ट मेंबर जो आता है, उसको हम कहते हैं पाइनियर. ठीक है, पाइनियर स्पीशीज़ या पाइनियर कम्युनिटी. उसके बाद एक के बाद एक चेंज आता जाता है. ठीक है, वन आफ्टर दी अदर. और ये जो मेंबर्स है ना, ये एक के बाद ही, इसमें जो चेंज होता है वो लिटिल फास्टर होता है. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज आता है, इसीलिए हमें ये चेंज दिख जाता है. तो ये जो बीच के जो इंटरमीडिएट्स आए हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे सीरियल या सीरे. ठीक है, सीरियल कम्युनिटीज़ कहेंगे. और फाइनली एक स्टेज आती है जहाँ पे हमें लगेगा कि अब भाई कोई चेंज नहीं आ रहा है, अब ये जो कम्युनिटी है, ये स्पीशीज़ है, वो स्टेबल हो गई है, उसे हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ठीक है, या फाइनल बोलते हैं ना, मूवी का क्लाइमेक्स फाइनल क्या है. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सक्सेशन होता है. सबसे पहले पाइनियर कम्युनिटी आती है, फिर बीच के जो होते हैं सीरियल होते हैं इंटरमीडिएट, और फाइनल जो होता है आपका, इट इज़ योर क्लाइमेक्स कम्युनिटी. सो सक्सेशन को कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बहुत एक फटाफट देखेंगे बेसिक. सबसे पहला है बेस्ड ऑन सक्सेशन कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो जैसे ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें सक्सेशन को, बेस्ड ऑन वी कैन से प्लेस कहाँ पे हो रहा है, तो एक हो सकता है आपका हाइड्राट्स. ठीक है, जो वाटर में सक्सेशन होता है. ठीक है, ये 12th लेवल की चीज़ें हैं. और दूसरा है ज़ीराश जो बोलते हैं, जो कि लैंड पे होता है. ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका क्लासिफाई करने का. ओके, फिर ये जो आपका लैंड पे है, इसको भी हम लिथोसीरे कह सकते हैं. लिथोसीरे मतलब जो रॉक्स वगैरह पे, ठीक है, या फ्रेश सरफेस वगैरह पे हो. फिर है आपका सामोसीरे. ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट हियर. ठीक है, सैमोसिरे, ये जो है मोस्टली सैंड वेंड पे जो आपका सक्सेशन आता है उसको हम कहते हैं. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर एक आइडिया इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए आई हैव टोल्ड यू. सो वील सी अगेन, एक दूसरा तरीका है सक्सेशन को क्लासिफाई करने का, वो हम देखते हैं. ओके, सो दूसरा तरीका ये होता है, ये आपका क्वेश्चन, ये CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. सो सक्सेशन को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम, एक है आपका प्राइमरी सक्सेशन. ठीक है, दूसरा है आपका सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है, प्राइमरी जो होता है बेसिकली बैरन लैंड पे होता है. ठीक है, जहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं प्रेजेंट था. ठीक है, वो लैंड बिल्कुल बैरन थी, और वहाँ पे जो सक्सेशन शुरू होता है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं. ठीक है, और ये मोस्टली बहुत स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि जब पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पे, एक बैरन लैंड पे जब कोई कम्युनिटी आना स्टार्ट होगी, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, बहुत टाइम लगेगी इस्टेब्लिश होने में. ठीक है, और सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है, जैसे ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ना कुछ था. ठीक है, और ये जो होता है ना, ये कभी भी बैरन लैंड पे नहीं होता, ये होता किधर है, ऑलरेडी डेवलप्ड
कम्युनिटी पे जो सक्सेशन होता है ना, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एरिया है वहाँ पे अगर फायर, मतलब कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आग लग गई, फायर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे सारे पेड़ जल जाएंगे, ठीक है, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन उसके बाद फिर से वहाँ पे फॉरेस्टेशन हो जाएगा, फिर से वहाँ पे न्यू प्लांट, न्यू ट्रीज विल ग्रो, तो वो थोड़ा फास्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पहले से था, ठीक है, एक कम्युनिटी डेवलप थी, तो इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि प्राइमरी जो है बैरन लैंड पे होता है, जहाँ ऑलरेडी कुछ भी नहीं था, और ये प्रोसेस स्लो होती है, जबकि आपकी सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ ऑलरेडी कोई डेवलप्ड कम्युनिटी थी, एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन, यू कैन से सर्टेन फैक्टर, चाहे वो आपके नेचुरल प्रोसेस हो सकती है, लाइक फायर है, वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, किसी भी वजह से वो कम्युनिटी अगर डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मान लीजिए हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अगर जो सक्सेशन होता है उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये था टाइप ऑफ सक्सेशन, दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, कि सक्सेशन की क्या स्टेप्स हैं, कैसे सक्सेशन स्टार्ट होगा, और ये CSIR का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है अरेंज करने को, तो दैट वी विल सी। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, कि सक्सेशन होता कैसे है, ठीक है। सो सपोज कीजिए ये आपकी एक लैंड है, ठीक है, बिल्कुल बैरन लैंड है, और हम ये प्राइमरी सक्सेशन करवा रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट डूइंग एनी सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सबसे पहली बार जो सक्सेशन होगा किसी लैंड पे, तो वो क्या क्या होगा, तो ये आपकी एक बैरन लैंड थी, ठीक है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सक्सेशन के लिए, फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए आपकी कि लैंड बिल्कुल खाली हो, एम्प्टी लैंड हो, बैरन हो, तो जो फर्स्ट स्टेप है इसको, इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूडेशन, ठीक है। तो सक्सेशन हमेशा एक बैरन एरिया पे होता है जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं था, तो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कि लैंड बिल्कुल न्यूड हो, एम्प्टी हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये बैरन लैंड थी तो अब इस पे भाई कोई हमें न्यू लाइफ फॉर्म, अगर हमें यहाँ पे, हम चाहते हैं कि वो न्यू लाइफ फॉर्म यहाँ पे आए, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, इट डजेंट मैटर, तो उस प्लांट या एनिमल को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब कोई चीज़ अगर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कि वो इस लैंड पे या तो माइग्रेट कर गई, ठीक है, या तो वो माइग्रेट कर गई या फिर इन्वेजन हो गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी वो ये होगा कि जो कोई भी अगर प्लांट है, सपोज कीजिए, तो वो सीड के फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में इस लैंड पे आएगा, ठीक है, दीज आर सीड्स, या फिर कोई एनिमल आना है, मान लीजिए बर्ड्स आ गई किसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, या कोई भी ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी क्या हो जाएगी, माइग्रेशन ऑफ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, माइग्रेशन ऑफ एनी सीड्स, प्रोपिग्यूल्स और एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, कि वो ऑर्गेनिज्म यहाँ आके अडेप्ट भी होना चाहिए, सिर्फ आने से सक्सेशन नहीं स्टार्ट होगा, इट्स जस्ट लाइक कि आप कहीं और से बिलोंग करते हो एंड यू केम टू दिल्ली फॉर योर स्टडी पर्पस, ठीक है, तो सिर्फ दिल्ली आने से ये नहीं डिसाइड होगा कि आप यहाँ पे पढ़ पाओगे कि नहीं, फर्स्ट कुछ महीने आपको अडेप्ट करने में लगते हैं ना, कि भाई हाँ हम यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, एनवायरमेंट यहाँ का, फूड, पीपल, एवरीथिंग, ठीक है। सो वैसे ही ऑर्गेनिज्म भी करता है कि अपने आप को पहले इस्टेब्लिश करता है उस एरिया में,
ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, ये सीड है तो अब ये जर्मिनेट करेंगी, ठीक है, और फिर ग्रो करेंगी, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए इसका, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेंगी, या फिर कोई बर्ड आई है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी ऑफस्प्रिंग बनाएंगी। तो एक सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट जो होता है तभी जो है सक्सेशन आगे हो सकता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होना, ठीक है। और इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्सेसिस, ठीक है। तो CSIR में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई आपकी, न्यूडेशन, बैरन लैंड, एक्सक्यूज मी, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड द थर्ड स्टेप इज योर एक्सेसिस। अब एस्टेब्लिश हो गई यहाँ पे, अब क्या होगा, बहुत सारे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल सा क्या होता है, अब आप इसको अपने एग्जांपल से लीजिए, आप दिल्ली आए, ठीक है, आपने एस्टेब्लिश कर लिया, मतलब आपको यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का फूड, यहाँ के लोग अच्छे लगने लगे, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप हो गया सब कुछ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल मेक ग्रुप्स, आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, आप अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं, ये थर्ड स्टेप थी आपकी एक्सेसिस। फोर्थ स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, एग्रीगेशन, ठीक है, कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जैसे ही स्पीशीज ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अब ये अपना नंबर इंक्रीज करेगी, और फिर क्या होगा कि एक ग्रुप बन जाएगा हर स्पीशीज़ का, कि भाई ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती हैं, ये एक अपना ग्रुप बना लेंगी। जैसे हम बनाते हैं ना क्लास में, नए नए एडमिशन हुआ आपका, आप जाते हो तो वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है कि ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, ये उसका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। तो इसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही ग्रुप बना तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब आपस में ये जो दो ग्रुप्स बने हैं इनमें कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो और ये कंपटीशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सेम ग्रुप के अंदर हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, कि ग्रुप के मेंबर ही आपस में कॉम्पीट करने लग जाए, या फिर दो अलग ग्रुप के बीच में हो, दो अलग स्पीशीज के बीच में, उसको हम इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। तो कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। अब जैसे ही कंपटीशन शुरू होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, सिक्स स्टेप होगी आपकी रिएक्शन। ऑब्वियस ही बात है, जब कॉम्पीट कर रहे हैं आप, अब वो कॉम्पिटिशन किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो फिजिकल फाइट हो सकती है, या कोई किसी का रिसोर्स लेके दूसरे को रिसोर्स ना दे, खुद सारा यूज़ कर ले, ठीक है, मतलब जिसे हम कहते हैं एक्सप्लॉइट, कॉम्पिटिटिव एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकता है। तो रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि जो इस रिएक्शन की वजह से ये होगा कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे, कुछ मर जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं की वजह से आपका जो एनवायरनमेंट भी होगा उसी के तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि आपके किसी एरिया में सिर्फ हर्बीवोर हैं, तो हर्बीवोर सारी ग्रास खा जाएंगे, तो फिर वहाँ पे ग्रासेस नहीं मिलेंगी, मतलब अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे सर्वाइव करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट भी चेंज कर लेगा, ठीक है। सो रिएक्शन में बस इतना समझिएगा। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, हर एक स्पीशीज एक दूसरे को रिप्लेस करती जाएगी, और जो फाइनल आपका जो स्टेप आएगा, सेवेंथ स्टेप, वो होगा आपका स्टेबिलाइजेशन, या फिर आप इसे कहते हैं क्लाइमेक्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन एक बहुत पुराना CSIR का क्वेश्चन है, जिसमें ये सारे टर्म्स लिखे हुए थे और आपको अरेंज करने को दिया था। तो आई अरेंज एंड आई शो कि कैसे आपका ये आएगा आंसर। हमने जितने भी जो है ये पढ़े हैं स्टेप मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन में, तो सबसे पहला क्या आएगा आपका,
सबसे फर्स्ट आएगा आपका न्यूडेशन, फिर नेक्स्ट आपका आएगा माइग्रेशन, या फिर आप उसे इन्वेजन कह सकते हैं, ठीक है। और थर्ड इसके बाद आपका आएगा एक्सेसेस, जहाँ पे सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होता है। फोर्थ आपका इसके बाद जो आएगा आपका वो आएगा एग्रीगेशन, एस्टेब्लिशमेंट के बाद रिप्रोडक्शन होगा और जो है स्पीशीज़ अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगी, उसी को हम एग्रीगेशन कहते हैं। फिर फिफ्थ होगा आपका, जैसे ही नंबर इंक्रीज़ हुआ कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन के बाद जब कंपटीशन होगा तो एक रिएक्शन भी होगी, जिसमें कुछ स्पीशीज सरवाइव करेंगी कुछ नहीं करेंगी, और फाइनली आपका क्या होगा, जो एक फाइनल कम्युनिटी होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी, उसी को हम स्टेबलाइजेशन या फिर क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, दिस इज़ मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ये आपसे CSIR में पूछा जाता है, बहुत पुराने ईयर का क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अच्छा, ये जो मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन का ये जो पूरा स्टेप है, ये एक साइंटिस्ट है क्लेमेंट, उन्होंने ही दिया है। तो किसने दिया था, क्लेमेंट ने दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, कि ये जो हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे कैसे होता है, क्या स्टेप है, लेकिन अब हमें समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है सक्सेशन में। तो तीन डिफरेंट मॉडल हैं और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में भी, दिसंबर 17 में क्वेश्चन था ये, और उसके बाद भी कई बार पूछा है और पहले भी पूछ चुका है। तो यू कैन राइट नाउ, आई डोंट हैव द पेपर विथ मी, अदरवाइज आई कैन शो यू द क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट वी विल सी, वो फाइनल पार्ट होगा आपका सक्सेशन का, ओके। सो हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ये जो दिया था, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, J.H. कॉनल एंड R.O. स्लेटर, ठीक है। और why I am telling you the name, because ecology and evolution में scientists के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर ये mention है scientist name, ठीक है, तो आप उनको याद रखिएगा। इस model को कभी Connell and C+S model भी कहते हैं, ठीक है, या Connell and Slater model भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, इसमें तीन मॉडल, इसमें जो मॉडल ऑफ सक्सेशन है ये तीन है, ठीक है। तीनों को हमें स्टडी करना है। सबसे पहला है आपका फैसिलिटेशन मॉडल, दूसरा है आपका टॉलरेंस मॉडल, ठीक है, और थर्ड है आपका इनहिबिशन मॉडल। बहुत इजी है, 4 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इमेजिन कितना आप अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट करना, मतलब हेल्प करना किसी की। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए ये स्पीशीज़ ए है, सबसे पहली ये स्पीशीज़ थी, ठीक है। तो जैसे ही ये एक स्पीशीज़ आई, ये अपना रहेगी और ये क्या करेगी, अपने हैबिटेट को इस तरीके से मॉडिफाई कर देगी, मतलब इट विल मेक द हैबिटेट इन सच अ वे कि जो नेक्स्ट स्पीशीज़ है वो आ सके, मतलब ये अपने आगे वाली स्पीशीज़ को हेल्प कर रही है पॉजिटिवली, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फैसिलिटेशन मॉडल में क्या होता है कि द स्पीशीज ऑफ अ कम्युनिटी मॉडिफाई द हैबिटेट कंडीशन इन सच अ वे दैट ग्रोथ ऑफ न्यू स्पीशीज इज फैसिलिटेटेड, ठीक है। ए इसको हमेशा, बी को हमेशा फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा ताकि ये आए। फिर जैसे ही बी आ गया,
अब ये न्यू स्पीशीज़ है, ये इसको अब नेगेटिवली इनहिबिट कर देगा, मतलब अब इसको कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है, कि अब ये सारा रिसोर्स यूज़ कर लेगा, अब ये चला जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि भाई ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने हमारे लिए एक पूरा एक वी कैन से एक अच्छा हैबिटेट बनाया, हमारे लिए सब कुछ दिया, फाइनली हमने सब कुछ यूज़ करके इनको ही इनहिबिट कर दिया। इन एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लीजिए आप, वैसे मत लीजिए रॉन्ग वे में, ठीक है। सो सिंपल सा ये तरीका है। उसी तरीके से अब बी आएगा, बी अब इस हैबिटेट को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा, ठीक है, अगेन ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा सी के लिए, और सी फिर इसको नेगेटिवली इनहिबिट कर देगा। तो इसमें तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहला कि हर स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ पे जो होता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, फाइन। दूसरा जो है इसमें डायरेक्शनल सीरीज चलती है, ठीक है, मतलब ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ऐसा नहीं कि ए के बाद सी आ जाए फिर डी आ जाए या बी आ जाए, नहीं, एक सीक्वेंस चलेगा कि इसके बाद यही आना है, इसके बाद यही आना है, ठीक है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है, जैसे ए ने बी को पॉजिटिवली एनहांस किया, इसको इफेक्ट किया कि ठीक है बी आ गया, अब बी जब आ गया तो ए को ख़त्म होना है, तो ए कैसे ख़त्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा, बाई बायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो जो कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, तो फैसिलिटेशन मॉडल में जो कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी, मतलब इसका जो डेथ का रीज़न है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ये मरेगा, मतलब वाया कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, ये जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ये सारे बायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो ये बी इसको कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर देगा। तो तीन बातें याद रखनी है बस फैसिलिटेशन मॉडल में, कि हमेशा हर स्पीशीज़ अपने आने वाली स्पीशीज़ को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट डालती है, एनवायरनमेंट को ऐसे मॉडिफाई करती है ताकि आगे नेक्स्ट स्पीशीज आ सके, एक डायरेक्शनल सीरीज चलती है, और कॉज ऑफ जो मॉर्टेलिटी है वो बायोटिक फैक्टर है, ठीक है, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि फाइनल हर स्पीशीज अपने आप को मतलब आने वाली स्पीशीज को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करे। फिर एक स्पीशीज ऐसी आएगी जो अपने आगे वाली स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, वो वहीं खुद को ही वो करेगी, खुद को ग्रो करेगी, आगे नहीं जाने देगी, तो फिर ये आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो जो नेक्स्ट आपका मॉडल है वो है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस से समझ में आ रहा होगा सिंपल सा मीनिंग, कि किसी को टॉलरेट करना या बर्दाश्त करना। तो यहाँ क्या होता है सिंपल सा, जैसे इसमें क्या हो रहा था कि ए जो है हैबिटेट को मॉडिफाई कर रहा था बी के लिए, ठीक है, लेकिन टॉलरेंस में क्या होगा कि आपका जो ए है वो पूरा न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेगा, ठीक है, जो सबसे पहली स्पीशीज आई ए, ये जो है एनवायरनमेंट को का पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेगी। अब एनवायरनमेंट जो आपका है वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है या डिप्लीटेड है आप कह सकते हैं, मतलब सुटेबल नहीं है अब एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब इसके बाद वही स्पीशीज आ सकती हैं जो इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में सरवाइव कर जाए, मतलब इस न्यूट्रिशनल डिप्लीटेड कंडीशन को टॉलरेट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है ना ही आने वाली स्पीशीज को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है, ना ही इनहिबिट कर रहा है, ना ही रोक रहा है कि भाई तुम मत आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना ही पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ न्यूट्रल इफ़ेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, न्यूट्रल इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब जब यहाँ ये क्या है, ये कंडीशन बहुत ही न्यूट्रिशनल
डेफिशिएंसी है यहाँ पे, तो यहाँ कोई भी आ सकता है जो इस कंडीशन को सरवाइव करे। तो यहाँ पे ए बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शनल नहीं होती है सीरीज, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल सीरीज होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कॉज ऑफ मोर्टेलिटी भी अगेन, अब जैसे मान लीजिए यहाँ बी आ गया तो बी इसको फिर कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर देगा, तो मोर्टेलिटी यहाँ पे अगेन बायोटिक फैक्टर की वजह से ही होती है, ठीक है। तो टॉलरेंस मॉडल में क्या होता है कि जो न्यू पाइनियर स्पीशीज़ जो है, मतलब जो ये पहली स्पीशीज़ है, इट नाइदर इनहिबिट नॉर फैसिलिटेट द ग्रोथ और ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ अदर स्पीशीज़। तो ये जो पाइनियर स्पीशीज़ है वो इनकमिंग स्पीशीज़ को नाइदर इनहिबिट नॉर फैसिलिटेट, उसको फैसिलिटेट भी नहीं करेगी, इनहिबिट भी नहीं करेगी। सो What will happen? A species invade a new habitat and become established independently of the presence or absence of other species. मतलब अब ये जो नई species आएगी ये इस पर dependent नहीं होगी, वो इस condition पर आएगी कि वो इस nutritional deficiency को tolerate कर जाए, ठीक है। So ये है टॉलरेंस मॉडल। इनहिबिशन मॉडल में क्या होता है, जैसे फैसिलिटेशन में सब इसने सपोर्ट किया, टॉलरेंस में क्या हुआ, इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने अलाउ कर दिया, ठीक है आना है तो आओ। इनहिबिशन में क्या होगा कि हर स्पीशीज़ दूसरे को इनहिबिट करेगी, अलाउ नहीं करेगी, मतलब ए जो है बी को नहीं आने देगी, और ना ही बी अगर है तो ए को नहीं आने देगा, उसी तरह बी जो है सी को नहीं आने देगा और ना ही सी बी को आने। तो ये जो मॉडल है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो इनहिबिशन मॉडल में तो यहाँ क्या होता है, अगेन जो आपके इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट, हर स्पीशीज दूसरे को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है, किसी को आने नहीं दे रहा, इट्स जस्ट लाइक कि इट्स माई डोमिनेंस, ठीक है, मैं ही रहूँगा, अदर स्पीशीज कैन नॉट कम, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अगेन यहाँ पे जो आपका सीरीज़ है, जो कौन किसके बाद आएगा, ये भी अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है, अनऑर्डर्ड सीरीज़ होती है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। एंड थर्ड है, अब यहाँ पे कॉज ऑफ मोर्टेलिटी क्या होगी, बायोटिक फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि हर कोई एक दूसरे को आने ही नहीं दे रहा है, तो एक्सक्लूजन कैसे, फिर ये स्पीशीज़ हटेगी कैसे। मान लीजिए ए अगर यहाँ आ गया तो ये बी को नहीं आने देगा, तो अब ए को कैसे हटाया जाए। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे नेचर फिर रिप्लेस करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कॉज ऑफ मोर्टेलिटी होगी वो होगी ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है। ए बायोटिक फैक्टर मतलब कि लाइक आपका फायर हो गया, फ्लड हो गया, सर्टेन वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, कुछ भी तरीके का जो एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से फिर वो स्पीशीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट स्पीशीज़ आएगी। सो ये डिफरेंट मॉडल थे। अब जो CSIR में जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपको ऐसे बना के दे देगा, ठीक है। सबसे पहले अगर उसने आपको कुछ ऐसा बना के दे दिया, ठीक है, फाइन, और ये इस पे सब पे ऐसे प्लस प्लस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज फैसिलिटेशन मॉडल, ठीक है। अगर उस CSIR में अगर आपको ऐसे दे दिया, दिस इज ए, फिर ये बी, दिस इज सी एंड दिस इज योर डी, ठीक है, और फिर ये इसने ए का एरो डी पे भी लगा दिया, ए का एरो सी पे भी, ए का बी पे भी, फिर उसी तरह बी का सी पे, कुछ इस तरीके के एरो आपके बन गए हैं, ठीक है। फिर ये बी का डी पे ऐसे इस तरीके से कुछ बन गया और इसके आगे ज़ीरो ज़ीरो लगा है, तो इट मीन्स टू से ये टॉलरेंस मॉडल है, ठीक है।
ये कैसे समझ आया आपको? पहली चीज़ कि यहाँ पे अनऑर्डर्ड अनप्रेडिक्टेबल सीरीज़ है, ए के बाद कोई भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी, डी भी, और बी के बाद सी डी कुछ भी आ सकता है, और इसमें जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रल है, इसीलिए यहाँ ज़ीरो लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर यही मॉडल आपका कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट बना रहे, ठीक है, और सब पे माइनस माइनस ऐसा लगा रहे, ठीक है, सो ये आपका इनहिबिशन मॉडल हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और आई थिंक दिस मच नॉलेज इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है। सो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एंड कोई डाउट हो राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच।